चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बड़ी खबर आपको बता दें। गुरुग्राम दौरे पर सीएम मनोहर लाल, सरकार और मारुति सुजुकी के बीच होगा एग्रीमेंट, जमीन अलॉटमेंट को लेकर साइन होगा एग्रीमेंट। तो सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में यह एग्रीमेंट होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। आईएमटी खरखौंदा में मारुति सुजुकी को जमीन अलॉट पहले चरण में। तो बड़ी और अहम जानकारी, 11,000 करोड़ का होगा निवेश, उद्योग और रोजगार की दृष्टि से हरियाणा के लिए बड़ा दिन। तो बड़ी जानकारी, पहले चरण में 11,000 करोड़ का निवेश होगा। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि उद्योग और रोजगार की दृष्टि से हरियाणा के लिए ये काफी महत्वपूर्ण और बड़ा दिन। तो गुरुग्राम दौरे पर सीएम मनोहर लाल, सरकार और मारुति सुजुकी के बीच होगा एग्रीमेंट। इसके साथ ही आपको बता दें कि जमीन अलॉटमेंट को लेकर साइन होगा एग्रीमेंट। तो सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में यह एग्रीमेंट साइन होगा। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी को जमीन अलॉट, पहले चरण में 11,000 करोड़ का होगा निवेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्योग और रोजगार की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण और काफी अहम दिन, बड़ा दिन। स्पर्श हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। स्पर्श, सरकार और मारुति सुजुकी के बीच एग्रीमेंट होगा, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल, हरियाणा में जो मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं, उनका गुरुग्राम दौरा और आज काफी अहम ये दौरा जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पर हरियाणा में औद्योगिक गतिविधियों को और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा दिन जो है आज साबित होता हुआ नजर आएगा। हरियाणा सरकार मारुति सुजुकी के साथ जो है जमीन अलॉटमेंट को लेकर आज जो है एक एग्रीमेंट साइन जो है करती हुई नजर आएगी। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी जो है शामिल रहने वाले हैं। पहले चरण में लगभग 11,000 करोड़ का जो निवेश है वो मारुति सुजुकी जो है करती हुई नजर आएगी। और इस प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी का ये जो नया प्लांट है वो जो है लगने वाला है, जिसके लिए जमीन अलॉटमेंट को लेकर अनुबंध जो है आज होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो इस नए प्लांट के स्थापित होने से जो उद्योग है और जो रोजगार है उसकी दृष्टि से हरियाणा जो है काफी आगे बढ़ता हुआ जो है नजर आएगा। तो आज अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में विकास संबंधित परियोजनाओं को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं वो गुरुग्राम दौरे पर रहने वाले हैं, और इसीलिए मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है वो रोजगार संबंधित भी जो है काफी अहम हो जाता है। स्पष्ट, यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, और जो बेरोजगार है कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार मिलेगा? देखिए आप बिल्कुल निश्चित तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 दिन गुरुग्राम दिवसीय दौरे पर है, और कल जिस तरीके से ग्लोबल सिटी राउंड को टेबल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया था उससे भी ये समझा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री का जो गुरुग्राम दौरा है वो काफी अहम है। हरियाणा में औद्योगिक गतिविधियां तेज हो, और जब किसी भी प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेज होती है तो उससे रोजगार जो है निश्चित रूप से जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। इससे पहले हम जानते हैं कि मानेसर में मारुति सुजुकी का प्लांट था और आसपास के क्षेत्रों में किस तरीके से रोजगार जो है बढ़ता हुआ नजर आया, तो अब इसी तरीके से जो ये प्लांट है मारुति सुजुकी का वो आईएमटी खरखौदा में लगने वाला है, तो उसके आसपास के क्षेत्रों का जो रोजगार है वो जो है निश्चित तौर पर जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, पहले चरण में जिस तरह से आपने बताया 11,000 करोड़ का ये निवेश होगा, काफी बड़ा निवेश है, और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये दिन हरियाणा वासियों के लिए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण दिन है ये हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि एक तरीके से कहा जाए तो सीधे तौर पर तरीके से जो है प्रोवाइड करा सकती है। हम जानते हैं कि लगातार विपक्ष रोजगार को लेकर जो है सरकार पर निशाना साधते हुए जो है नजर आता है, लेकिन लगातार हरियाणा सरकार ये प्रयास कर रही है कि रोजगार जो है हरियाणा में जो है बढ़ाया जाए, औद्योगिक गतिविधियां जो नए उद्योग है वो जो है हरियाणा में लाए जाए। इसी को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री जो है मुंबई दौरे पर भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे, और अब जिस तरीके से मारुति सुजुकी का ये प्लांट जो लगता हुआ नजर आ रहा है, जिसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि 2025 तक जो पहली कार है वो जो है यहाँ से जो है निकलती हुई जो है नजर आ सकती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रोजगार का
का जो आज माइलस्टोन है वो हरियाणा सरकार के संदर्भ में जो है जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और इसी तरीके से हरियाणा सरकार ये प्रयास करेगी कि आने वाले समय में और जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, औद्योगिक जो कंपनियां हैं, वो हरियाणा में जो है अपने प्लांट जो है लगाती हुई जो है नजर आए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए स्पर्श आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे, चूंकि मारुति सुजुकी के लिए आईएमटी खरकोंदा में मारुति सुजुकी को जमीन अलॉट होगी। सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे।